दोस्तों नमस्कार। यह है 32 इंची सिग्नेचर कंपनी की एलईडी टीवी। तो इसमें ऑडियो तो आ रहा है लेकिन इसमें वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब इसमें रोशनी ही नहीं आ रही है। और हम गौर से देखते हैं तो इधर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इसकी डिस्प्ले तो सही है लेकिन इसकी जो बैक लाइट है वो खराब हो चुकी है या फिर इसका इन्वर्टर खराब हो गया होगा। हम इसको खोल लेते हैं और इसके जो भी फॉल्ट हैं वो देखते हैं, इसमें इन्वर्टर खराब है या फिर इसकी बैक लाइट खराब है। तो टीवी को खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसके स्क्रू हमने खोल लिए है और इसका बैक कवर भी हमने ये खोल लिया है। तो हम इसकी जो है बैक लाइट चेक कर लेते हैं। तो ये बैक लाइट का पेन है। तो दोस्तों ये है इसकी बैक लाइट की पेन और यहाँ से अंदर गया है वायर, तो ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये मैंने मल्टीमीटर चालू कर लिया है और यहाँ पे हमने ये दोनों पेन इसके लगा लिए हैं। और अब टीवी को हम यहाँ से स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, मतलब ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, 54 वोल्टेज आ रहा था। अगर इसमें हम बैक लाइट ना लगाएं तो ये वोल्टेज अपने आप डाउन हो जाता है, और अगर बैक लाइट सही है तो बैक लाइट चालू हो जाती है और वोल्टेज बना रहता है। तो इसकी हम बैक लाइट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने चेक कर लिया कि इसके वोल्टेज सही है। अब हम उठाते हैं बैक लाइट टेस्टर। तो ये हमने लगा दिया पावर बोर्ड में और ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पेन है। तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिव पेन है जो बैक लाइट की पॉजिटिव पर लगाते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने लगाया तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है और ना ही इसकी बैक लाइट जल रही है। बैक लाइट अगर चालू होती तो मल्टीमीटर से ही चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसकी जो बैक लाइट है वो खराब हो चुकी है। तो अब हमें इसकी डिस्प्ले खोलना पड़ेगी और इसकी बैक लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो टीवी को हम इसका ये पूरा खोल लेते हैं बैक कवर। तो दोस्तों पहले हम ये इसका जो साउंड का ये कवर है ये हटा देते हैं हम यहाँ से। स्पीकर के वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये निकाल दिया मैंने। और इसका जो लीड है वो हम यहाँ से बाहर खींच लेते हैं और इसको साइड में कर देते हैं। और अब हम इसका ये टेप निकाल देते हैं और ये ध्यान से निकालें, इसके कॉब ना टूट जाए। और यहाँ पे ये इसका जो LVDS केबल है इसका ये सॉकेट निकाल देते हैं। और टीवी को अब हम सीधा कर लेते हैं और इसकी डिस्प्ले खोलेंगे। तो यहाँ पे ये लॉक हैगी, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं ये किस तरीके से लॉक है और खोलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों एक पेंच का ले लेना है पतला सा और इस तरीके से इसके लॉक खोल लेना है। दोस्तों इसका ये हमने कांच खोल लिया है और इधर ये सेंसर लगा हुआ है, तो इसका पिन भी हम निकाल लेते हैं। और इसका जो डिस्प्ले है वो हम
आराम से उठा लेते हैं और इसको कहीं सेफ जगह पर हम धर देंगे या रख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है और इसका ध्यान रखना है जो इसका कोप रहता है वो न टूट जाए, और इसका जो ये रिफ्लेक्टर है ये खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉक हमने खोल लिए हैं, इस तरीके से सभी लॉक खोल लेना है। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्टर हमको निकाल लेना है, तो ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं और अब हम ये जो इसका पेपर सा है ये खोल लेते हैं, इसके सभी स्क्रू हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे अब हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। हम एक एक करके टेस्ट करेंगे इनमें से कौन चालू है कौन खराब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है ये नहीं जल रही है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नहीं जल रही है, और ये भी नहीं जल रही है, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं जल रही है, तो ये तीनों खराब है। तो दोस्तों इसकी जो स्ट्रिप है बैक लाइट वो हटा देते हैं हम जो पुरानी लगी हुई है इसमें, और फिर हम इसमें नई बैक लाइट लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पैरेलल में लगी हुई है, सीरीज में नहीं है ये। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ इसकी बैक लाइट, ये तीनों लाइट हैं और ये लगभग हमको सेम ही सेम मिल गई है, मतलब एक जैसी आप देख सकते हैं। इसमें भी छह लाइट हैं, इसमें भी छह लाइट हैं। तो इनको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर इसमें हम लगाएंगे। तो ये हमने एलईडी टेस्टर चालू कर लिया है और यहाँ हम ये प्लस में प्लस माइनस में माइनस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी मतलब छह एलईडी जो लगी हैं वो चालू हैं, और ये वाली भी देख लेते हैं ये भी चालू है एकदम, और ये वाली भी देख लेते हैं, ये तीनों लाइटें चालू हैं। तो इनको हम यहाँ पे कस लेते हैं पहले, फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो प्लस माइनस दिया हुआ है ये प्लस है इस तरफ और ये है माइनस, तो यहाँ पे हम ये प्लस माइनस में ये मतलब प्लस में ये रेड वायर लगाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये कनेक्शन है जो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया है और इस प्रकार से ये लगाएंगे प्लस में रेड वायर, और ब्लैक वायर है जो वो माइनस में, और इसमें भी उसी प्रकार से प्लस में लगा देंगे रेड वायर, और ब्लैक वायर है जो माइनस में। तो ये लगा दिए दोस्तों, अब हम टीवी को ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है और इसकी जो बैक लाइट है वो भी अच्छे से ग्लो कर रही है, और अब हम इसमें डिस्प्ले है जो जो हमने सामान इसमें मतलब निकाला था वो हम लगा देंगे। पहले हमें इसका कागज़ वाला रिफ्लेक्टर है जो पेपर वाला वो लगाएंगे,
आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम लाइट थी, इसलिए बिल्कुल फिक्स आई है। तो इसको बंद कर देते हैं। अब इसके रिफ्लेक्टर लगाएंगे और डिस्प्ले लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इसके रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं और यहाँ पे ये लॉक भी लगा दिया है। अब ये डिस्प्ले हम जैसे हमने निकाली थी वैसे लगा के और आपको फिटिंग करके और टेस्टिंग आपको करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस तरीके से आप भी बैकलाइट डालकर टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।